एक कैटेगरी जो आपकी कॉलेज नीड्स है ठीक है मतलब आप जब कॉलेज जाओगे मतलब पढ़ने जाओगे है ना अकेडमिक ब्लॉक जो होता है वहां जाओगे तो वहां स्टडीज से रिलेटेड क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो और सेकेंड थिंग जो है वो आपकी हॉस्टल नीड्स है मतलब आप हॉस्टल में रहोगे तब आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो हम पहले अपनी कॉलेज नीड्स से शुरू करते हैं तो कॉलेज नीड्स में हमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका सभी नीट पैरेंट्स वेट कर रहे होते हैं वो ये है कि उन्हें वाइट एप्रन ओके वो फाइनली मिलने वाला होता है तो क्या होता है कि आप अपना एप्रन uh, जो है वो आप अपना अभी से ही सिलवा सकते हो अपने साइज का है ना uh, क्या करना है कि मोस्टली मोस्टली मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या रहते हैं कि फुल बाजू का होता है फुल स्लीवस वाला होता है फुल स्लीव्स वाला और फर्स्ट ईयर में अप टू नी लेंथ सिक्स बटन एप्रन चलता है मैक्सिमम कॉलेजेस में और बाकी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप जाके एक बार वहां के जो सीनियर्स हो अगर आपका इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हो सके मोस्टली आजकल सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप पूछ लो वहां पर कि वहां कैसा पैटर्न है बट मैक्सिमम कॉलेजेस में यही रहता है कि फुल स्लीवस अप टू नी लेंथ सिक्स बटन एप्रन होता है फर्स्ट ईयर में तो आपको वही कराना होता है मेरे कॉलेज में तो यही पैटर्न है ठीक है तो एप्रन आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज का बनवा सकते हो एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वैसे सेकेंड नहीं है ये भी फर्स्ट uh, ही है ना जो दैट इज द बुक्स बुक्स फॉर द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ठीक है तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड द बायोकेमिस्ट्री तो उन थ्री सब्जेक्ट्स की आपको बुक्स लेनी होती हैं बुक्स कौन सी लेनी है क्या uh, बुक्स को खरीदने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके एक बार देख लेना काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कौन सी अपने अकॉर्डिंग कौन सी बुक लेनी चाहिए ठीक है ओके okay. तो थर्ड थिंग जो है वो है कि स्टेशनरी आपको क्या करना है ऑब्वियसली आपको पता है कि पढ़ने आ रहे हो तो पेन पेंसिल ये सब तो अपना लेके रखोगे ही लेकिन कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मेडिकल कॉलेज में स्पेशली जरूरत पड़ेगी जैसे आपको एक तो ये चीज कि आप पेंसिल कलर्स लेके आना देखो है ना पेंसिल कलर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी क्योंकि आप जब एनाटमी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं और उनमें कलर करना होता है तो उसके लिए आपको पेंसिल कलर की रिक्वायरमेंट होगी स्केच कलर भी ले लेना एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको एच एंड पेंसिल लेनी है एच एंड ई पेंसिल लेनी होती है जो कि आपको हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स को बनाने में जरूरत पड़ती है ठीक है देन ये सब हमारा स्टेशनरी का पार्ट हो गया देन उसके बाद आपको ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होगी जो ग्लव्स होते हैं हमारे क्योंकि आप जब जाओगे फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन करते हैं तो डायसेक्शन करते वक्त और बायो केमिस्ट्री लैब वगैरह इन सब में हम ग्लव्स पहन के काम करते हैं तो ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होगी देन उसके बाद डायसेक्शन किट डायसेक्शन किट आप अपने अपने घर के पास से भी ला सकते हो जैसे मैं तो नहीं लेके आई थी मुझे तो कॉलेज में ही एक बुक सेलर है वो आ गए थे उन्होंने दे दिया था लेकिन अगर आपके घर के पास मिलता हो तो आप डायसेक्शन किट ले लें लेकिन ये बात ध्यान रखें कि उस डायसेक्शन किट में स्काल्पेर होना चाहिए क्योंकि आपको डायसेक्शन भी तो करना है ठीक है और फोरसेप uh, होनी चाहिए फोर्सेप भी टूथ फोरसेप होनी चाहिए स्मूथ ब्लंट एंड वाली भी फोरसेप होनी चाहिए शार्प एंड वाली भी फोरसेप होनी चाहिए लगभग तीन चार तरीके की फोरसेप होती है वो होनी चाहिए और उसके बाद एक पॉइंटर टाइप आता है मतलब पॉइंटेड रहता है वो होना चाहिए क्योंकि जैसे अगर हम डायसेक्शन कर रहे हैं और कोई मसल है और एक मसल के नीचे दूसरी मसल है तो जब नीचे वाली मसल देखनी है तो ऊपर वाली मसल हटाकर हम उसको पिन कर देते हैं और फिर हम अंदर वाली मसल के बारे में अंदर के और डीपर स्ट्रक्चर्स को आराम से देख पाते हैं ठीक है तो डायसेक्शन किट जब भी खरीदो जहां से भी खरीदो ये चीज देख लेना कि हाँ मेन स्कैल्पेल फोरसेप और ये चीजें हों देन उसके बाद जो मैं बता रही हूँ वो थिंग्स कुछ ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली जाते ही जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ टाइम बाद पड़ेगी जैसे कि जब क्या होता है फिजियोलॉजी के लैब होती है ह्यूमन लैब होती है उसमें हम एक्सपेर कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं जैसे उसमें हमें जरूरत पड़ती है टॉर्च की एक टॉर्च चाहिए होती है छोटी देन ट्यूनिंग फॉर्क होती है ट्यूनिंग फॉर्क की जरूरत होती है जिससे हम सीखते हैं कि रीनीज टेस्ट वेवर टेस्ट ये सब करना सीखते हैं और उसके बाद स्टेटोस्कोप है ना स्टेथोस्कोप की भी स्टडी की जाती है कि उसके इसके पार्ट्स की भी स्टडी की जाती है और स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेशन मेथड और काफी चीजें हम सीखते हैं ठीक है देन उसके बाद कॉलेज के लिए ऑब्वियसली आप क्या पहन कर जाओगे मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में आप जब कॉलेज जाते हो तो आपको फॉर्मल्स में जाना होता है अब ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आए हो और मतलब ऐसी जीन्स टी शर्ट पहन के चले जाओगे ऐसा नहीं होता गर्ल्स को सूट पहन के जाना है बॉयज को पैंट शर्ट पहन के जाना होता है अब क्या होता है कि मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या रहता है कि कलर फिक्स नहीं होता है बस ये है कि गर्ल्स को सूट पहनना है तो वो सूट पहन कर जाए किसी भी कलर का पहने और ऊपर से अपरन डालने है। मेरे कॉलेज में भी यही है लेकिन कुछ कॉलेजेस में कलर भी फिक्स रहता है तो मैंने कहा ना कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज का कोई सीनियर जो कि आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सके आप उनसे उनसे पूछ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा बट मेरे कॉलेज में कलर फिक्स नहीं है बॉयज को पैंट शर्ट पहननी होती है गर्ल्स को सूट पहनना होता है तो ये सब वो चीजें थी जो कॉलेज नीड्स थी आपको कॉलेज में जाते वक्त जा, पढ़ने जाओगे तब के लिए रिक्वायरमेंट होगी सेकेंड जो हमारी था पार्ट हॉस्टल नीड्स हॉस्टल नीड्स में आते हैं तो अब हॉस्टल में रहोगे तो क्या क्या चीजों की जरूरत है तो अपनी क्लोदिंग देख लेना है ना क्या क्या कपड़े तुम्हें लेके आने हैं ये सब देख लेना टी शर्ट ट्राउजर वगैरह सॉक्स वगैरह सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों वाले कपड़े भी ले आना जैकेट वगैरह वगैरह तुम्हें तो पता ही है सर्दी लगती तो क्या क्या चाहिए होता है ठीक है और उसके बाद अपनी बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह ये सब ठीक नेक्स्ट उसके बाद क्या होते हैं कि मैंने नाम दिया इस चीज़ को कि डेली फॉर बींग रेडी थिंग्स मतलब रोजाना तैयार होने वाली चीजें और रोजाना तैयार होने के लिए अब जैसे अगर सुबह नहाने जाना होता है तो बकेट मग शैम्पू और शैम शैम्पू वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं है ना ये सारी टूथब्रश और टूथपेस्ट और ये सब चीजें है, है ना तो ये सब चीज़ें अपनी खरीद लेना बेसिक चीजें ठीक है देन उसके बाद आपके ईटेबल्स आते हैं ईटेबल्स में आप अपने बिस्किट नमकीन जो भी आपको पसंद हो वो ले आए ड्राई फ्रूट्स ले आओ सर्दिया आ रही है है ना और उसके बाद आप मैगी लेके आ सकते हो मैगी बना सकते हो अब मैगी बनाओगे किसमें वो आप इलेक्ट्रिक केटल खरीद लेना अब इलेक्ट्रिक केटल कौन सी वाली खरीदनी है बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं वैसे वाली इलेक्ट्रिक केटल दो तरीके की आती है एक आती है जो जग के फॉर्म में होती है तो जग के फॉर्म में जो होती है ना उसका माउथ जो होता है वो छोटा होता है और एक केटल होती है जो बड़े माउथ वाली होती है वो ऐसे लगती है जैसे पतीले होते हैं ना घर पे जिसमें चाय बन रही है या इस तरीके की वो पतीले होते हैं ना उस टाइप के फॉर्मेट में आती है इलेक्ट्रिक केटल तो वो वाली खरीदना क्योंकि मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो जो जग के फॉर्मेट में आती है ना उसका माउथ छोटा होता है तो ऐसे नहीं है उसमें काम नहीं होंगे काम सारे हो जाएंगे पानी बॉयल हो जाएगा मैगी बन जाएगी दूध भी गर्म हो जाएगा बट ये है कि उसे साफ़ करने में बहुत दिक्कत करता है वो है ना हाँ इलेक्ट्रिक केटल ला रहे हो तो फिर साफ करने के लिए जो डिशवॉश होता है ना वो लेके आना देन उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि तुम ना एक थर्मो स्टील बॉटल जरूर ले आना अपने साथ क्योंकि देखो सर्दियां आ रही है है ना पहली बात। दूसरी बात ये कि जब अपने घर से यहां आओगे तो एक एनवायरनमेंट चेंज होगा और पानी भी चेंज होता है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो ही जाता है है ना तो फिर थर्मोस्टील बॉटल होगी तो तुम अपनी केटल में पानी गर्म किया और फिर उसमें भर के रख सकते हो अपने पास है ना तो वो काफी देर तक गर्म बना रहेगा और हाँ नेक्स्ट चीज ये है कि इमर्शन रॉड आप क्या है कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां पे आपको ये भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वहां के बाथरूम्स में हीटर्स जो है गीजर या हो हीटर्स जो है वो अवेलेबल हैं इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है मेरे कॉलेज में नहीं है इंस्टॉल्ड हमें इमर्शन रॉड से ही काम चलाना होता है तो कुछ कॉलेजेस में होते हैं जैसे जो अभी रिसेंटली नए कॉलेजेस बन रहे हैं उनमें मैंने सुना है कि वहां पे हैं तो अभी बार जाके एक बार क्रॉस चेक कर लो अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो फिर खरीद लो है ना और अगर कॉलेज पहुंच भी जाते हो बिना खरीदो तो कोई दिक्कत बात नहीं है फ्लिपकार्ट या एमेजोन से ऑर्डर कर देना ठीक है तो बस ये तो मेन मेन चीजें थी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सारी वो है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट एक छोटी सी जरूरत पड़ेगी ही मज़ा आएगा मतलब एक स्पीकर ले आना हेडफोन हो तो हेडफोन ले आना मतलब अपने रूम में थोड़ा सा बजा लिया अच्छा लगेगा है ना डेली पढ़ने जाओगे फिर आओगे और मतलब एकदम ना बहुत थक थकने भी लगोगे अभी तुम लोग आराम से बिल्कुल घर पे रिलैक्स वाली कंडीशन में पड़े हुए अभी हो अभी यहाँ आओगे सुबह से लेके सुबह नौ बजे से लेके शाम के पाँच बजे तक का कॉलेज ही कॉलेज है फिर उसके बाद बिजी सिचुएशन आ जाएगी बहुत तो तो इसलिए एक म्यूजिक थेरेपी तुम्हें मिलने के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ स्पीकर या फिर आ, मतलब अपना हेडफोन वगैरह ला सकते हो लास्ट पॉइंट ये कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो टैबलेट वगैरह लेना कंपलसरी है क्या तो कंपलसरी जैसा कुछ नहीं होता है आप के पास पॉसिबिलिटी है आप ले सकते हो तो ले लो ठीक है बट ये हाँ कुछ बच्चे यही सोचते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में आएंगे टैबलेट लेंगे फिर टेबले टैप, एक्चुअली टैबलेट में वो सब्सक्रिप्शन लेके उसी से पढ़ना होता है नहीं देखो फर्स्ट ईयर से ही अगर तुम वीडियोज से पढ़ने की हैबिट डालोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी वीडियो से भी पढ़ो बट बुक्स भी साथ में रीड करो बुक्स रीड करना आ, काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो बुक्स रीड करके पढ़ता है ना उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे मजबूत हो जाते हैं ठीक है तो वो जो वीडियोस होती हैं जो सब्सक्रिप्शन होते हैं एमबीबीएस के वो सब्सक्रिप्शन तो आपके फोन में भी चल जाते हैं तो एक अच्छा फोन ले लेना ठीक है बस ये है अगर टैबलेट को नहीं ले पा रहे हो तो फिर एक अच्छा फोन ले, ले लेना उससे भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी बाद में ले लेना टैबलेट ऐसे कंपल्सरी जैसा कुछ भी नहीं होता है टैबलेट को लेकर ठीक है तो यही सब था इस वीडियो जो भी आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है तो ऑल द बेस्ट थैंक यू एवरी एंड Like the video, share the video and subscribe the channel. Bye!